लाखों की संख्या में, बल्कि कहें करोड़ों की संख्या में समाज का एक ऐसा अंग जिसे सदियों से, सहस्राब्दियों से दबाया ही दबाया गया, इस व्यक्ति ने उन्हें ऊपर उठाया, उनमें स्वाभिमान जगाया, उनकी हीन भावना दूर की, स्वावलंबी बनाया, साधारण बात नहीं है। बाबा साहब जैसा ही कोई सबल व्यक्ति ये काम कर सकता था, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बाबा साहब के प्रति कोई भी समझदार व्यक्ति होगा तो उसके मन में श्रद्धा का भाव जागेगा, गौरव का भाव जागेगा। सारे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात हुई, विश्व में अनेक क्रांतियां हुई, फ्रांस में क्रांति हुई, रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, और जितनी भी क्रांतियां हुई उनका फल आया, लेकिन एक भी क्रांति ऐसी नहीं हुई जिसमें लोगों का रक्तपात न हुआ हो, जिसमें खून खराबा न हुआ हो। ये एक ऐसा व्यक्ति संसार को इसने बताया कि बिना रक्तपात किए, बिना खून खराबा किए इतनी बड़ी क्रांति लाई जा सकती है, जो ऐतिहासिक क्रांति है। और जितनी क्रांतियां हुई उससे ऊंची क्रांति है, कम नहीं है, लेकिन एक बूंद भी खून की इस क्रांति में नहीं भई, ये उनकी महानता है। कितनी शांतिपूर्ण ढंग से उन्होंने ये क्रांति पैदा की। वो केवल बुद्ध की शिक्षा का ही गहन अध्ययन करके नहीं रह गए, उन्होंने भारत की और भारत के बाहर की धर्म के नाम पर जितने संप्रदाय थे उनकी सबकी शिक्षाओं का गहन अध्ययन किया, विस्तृत अध्ययन किया, और फिर अपनी पैनी तुलनात्मक दृष्टि से देखा, यही सबसे अच्छा है। बुद्ध की शिक्षा ही सर्वोपरि है, यही सर्वश्रेष्ठ है।